टेस्टिकल्स की नसों में सूजन होने के कारण ही वेरिकोसील की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पुरुष इनफर्टिलिटी का एक कारण वेरिकोसील की समस्या का होना होता है। आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और पुरुषों से संबंधित वेरिकोसील की समस्या को जड़ से ही खत्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वेरिकोसील की समस्या को दूर करने वाले योगासनों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, वेरिकोसील की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला योगाभ्यास हम करेंगे सेतु बंधासन। इसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है, ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को अपने पैर के टखनों के पास ऐसे रखते हैं। सांस अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। आप अपने हाथों को अपने कमर के पास ऐसे भी रख सकते हैं जिससे कि आप अपने शरीर को सपोर्ट बनाए, शरीर का सपोर्ट बना रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही सेतु बंधासन को आप 5 से 6 बार नियमित प्रैक्टिस कीजिए। पुरुषों से संबंधित समस्या वेरिकोसील की समस्या को दूर करने के लिए यह ब्रिज पोज बहुत ही अच्छा और उपयोगी अभ्यास होता है। इसे करने से इनफर्टिलिटी की समस्या दूर होती है। धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, वेरिकोसील के लक्षण प्रकट नहीं होते, सिर्फ अनुभव के आधार पर ही इसे इस समस्या को समझा जा सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे गोमुखासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है। कमर बैठना आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेना है और राइट पैर को ऐसे अपने लेफ्ट पैर के बगल में ऐसे रख लेना है, घुटने के बगल में ऐसे रख लेना है। कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहे। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना रहे। फिर जो घुटना आपका ऊपर है उसी हाथ को ऐसे ऊपर से ले जाते हैं और पीछे से अपने दूसरे हाथ को भी ले जाते हुए दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। ऐसे अपने हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखते हैं। इस गोमुखासन को करने से वेरिकोसील की समस्या, हाइड्रोकोसील की समस्या या फिर जो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या हो वह समस्या दूर होती है। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। इस स्थिति में आपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। फिर अपने हाथों को ऐसे खोल लेते हैं और धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने राइट पैर को ऐसे लेफ्ट हिप्स के नीचे से और लेफ्ट पैर को ऐसे राइट घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं। दोनों घुटने एक सीध में ऐसे रहें। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और फिर जो घुटना आपका ऊपर है उसी हाथ को ऐसे ऊपर से ले जाते हुए, अपने राइट हाथ को भी पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। तीस सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। पुरुष इनफर्टिलिटी का एक कारण है वेरिकोसील। इस अभ्यास को करने से वह समस्या दूर होती है और यह सभी यौन रोगों को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। इसे आप नियमित 5-6 बार लेफ्ट और राइट साइड से नियमित प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे खोल लेते हैं और धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे जानू शीर्षासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना फैला लीजिए। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे मोड़कर ऐसे लेफ्ट थाइज के पास ऐसे
ऐसे सटा लेना है आपने। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को अपने लेफ्ट घुटने के पास ऐसे रख लेना है, दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे नीचे को झुक जाते हैं, अपनी कोहनियों को अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। समस्त यौन रोगों को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास होता है। श्वास अंदर भरते हुए फिर इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को उठाकर ऐसे राइट थाइस के पास ऐसे सटा लेंगे और अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाएंगे। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। इस स्थिति में आपका दूसरा घुटना बिल्कुल सीधा रहे। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है, अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऐसे उठाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाइए। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों के नीचे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैरों तलवों के नीचे से ऐसे लगा लीजिए, अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। दोस्तों वेरिकोसील टेस्टिकल और स्क्रोटम की वेरिकोज नसें हैं जिनमें सूजन आ जाना, कभी असहनीय पीड़ा होना और कभी यह संतानहीनता का कारण बनती है। इस वेरिकोसील की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे सर्वांग आसन, इसे शोल्डर स्टैंड भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है, ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही अपने पैरों को ऐसे रखें। फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे हलासन की पोजीशन में आना है, ऐसे हलासन की पोजीशन में आते हैं, कुछ देर इसी हलासन की पोजीशन में रहें। अपने दोनों हाथों को अपने कमर के पास ऐसे रखते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे सीधा कीजिए। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने कंधों पर ऐसे रखना है। इसे करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी दुरुस्त रहता है और यह टेस्टिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से शरीर में नसों की सूजन, जो नसों में सूजन आ जाती है, वह सूजन की समस्या दूर होती है। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही इस शोल्डर स्टैंड की पोजीशन में रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इन योगाभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस कीजिए।